एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर 8 मीटर है। कमरे की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर व 8 मीटर है। इसका मतलब लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर। ठीक है, अब आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसको ढकने के लिए कालीन चाहिए, नीचे कालीन दरी बिछी होती है वो चाहिए, कितने वर्ग मीटर की होनी चाहिए? तो ये आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है अलग अलग है। देखो ऐसे, ये 10 है, ये 8 है, तो ये भी 10 हो गया, ये 8। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का बराबर लंबाई गुणा 10 गुणा 8, 8 / 80 वर्ग है। ठीक है, है?